चलिए सीधे रुक करते हैं रायपुर का। हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस वक्त विक्रम उसेंडी के साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। सौरभ, फिलहाल इस निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव हैं उसके परिणाम आ गए हैं, और ये परिणाम में देखने को मिला कि 151 जो नगरीय निकाय हैं उस पर जो है जो 10 नगर निगम में चुनाव हुए, अभी जो रुझान हमें मिल रहा है उस रुझान के तहत जो है 7 से 8 निगम में जो है कांग्रेस आगे हैं। वहीं नगर पालिका में भी बढ़त बनाई हुई है और नगर पंचायतों में भी बढ़त देखने को मिली। और इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। उसेंडी जी, आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी को करारी हार मिल रही है? नहीं देखिए, कोई करारी हार नहीं है। जिस प्रकार से अब देखें, कांग्रेस एक साल पहले जिस प्रकार से 1/3 से ज़्यादा बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनी थी, यहाँ 68 विधानसभा की उनकी सीट जीतकर आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के इनाल टोटल देखें तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। हमारे आज जो नगर निगम में से 5-6 जगह अपने आज अच्छे टक्कर हम दे रहे हैं, बहुत अच्छी वहाँ स्थिति है। और कुल मिला के हम देखें तो इनाल टोटल पूरे नगरी निकाय की बात करें तो जिस प्रकार से हम बात करें तो बहुत सारे हमारे पार्षद तो जीत के आ रहे हैं, ठीक है। आज सरकार की है तो सरकार का कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाव तो दिखा, लेकिन कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का हमारे सभी प्रत्याशी हमारे कार्यकर्ता ने अच्छी मेहनत की और कुल मिला के प्रदर्शन हमारा ठीक रहा है अभी तक। सर कैसे कह रहे हैं आपका प्रदर्शन ठीक रहा? जैसे मैंने आपको कई निगम बताया, जैसे महत्वपूर्ण निगम जहाँ पे आपका 2 दशक तक, जैसे दुर्ग है, राजनांदगांव है, ऐसे जगहों पे आप काबिज थे, लेकिन वहाँ पे करारी हार मिल रही है। तो क्या लगता है कि इस करारी हार की वजह क्या, आप लोगों का जो प्रत्याशी चयन है वो लगता है कि वो ठीक नहीं था? नहीं देखिए, प्रत्याशी चयन में कोई गड़बड़ नहीं थी। कुल मिला के आज सरकार कांग्रेस की है तो ये बात भी आती है, जिसकी सरकार है तो थोड़ा विकास का काम भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ये बात रही होगी। लेकिन कुल मिला के हम बात करें तो एक हमारे पूरा इनाल टोटल हम देखें तो जिस प्रकार से विधानसभा के तुलना में कंपेयर करें तो उसके तुलना में प्रदर्शन तो हमारा ठीक है नगरीय निकाय चुनाव का। कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला कि बीजेपी के जो बागी हैं वो चुनाव मैदान पे लड़े और इसके कारण जो बीजेपी के प्रत्याशी उसको नुकसान हुआ और कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली। क्या लगता है कि अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है? नहीं देखिए, ये तो पहले ही हमने कार्रवाई की है इस मामले में। जो भी हमारे अधिकृत प्रत्याशी जो सिम्बाल खिलाफ चुनाव लड़े तो हम पहले ही उनको कार्रवाई उन पर कर चुके हमने, और आगे भी करवाएंगे। नहीं नहीं, आगे बने जितने भी जहाँ पर भी जो सिम्बाल खिलाफ चुनाव लड़े हैं ऐसे हमारे जो प्रत्याशी खिलाफ उन पर हमने कार्रवाई की, उनको डिस्कशन की कार्रवाई हम कर चुके हैं। जी एक हमने देखा कि चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान लगातार जो कांग्रेस के नेता ये कहते थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हमसे कहा कई बार IBC 24 से बातचीत करते हुए कि भाजपा के पास अब जो नेता नहीं रह गया, चेहरा नहीं रह गया, क्योंकि वो लगातार जो कहे कि रमन सिंह ने 15 साल तक जो है जनता को ठगा है और उसके अलावा भी उनके पास नेता नहीं, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये सही बात थी? नहीं, बात नहीं। हम नगरीय निकाय चुनाव पिछले 15 साल में हमारी पार्टी ने मैंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। चुनाव हारने 15 साल में इनकम बेसी मतलब बहुत सारे फैक्टर रहे होंगे, लेकिन आप जिस प्रकार से कांग्रेस की बात करें तो ये 2018 के जो विधानसभा चुनाव में 68 सीट जीत कर आ गई, उसके बाद आप देखें तो एक साल बाद नगरीय निकाय के चुनाव और लोकसभा के भी चुनाव हुए, तो यहाँ तक लोकसभा के चुनाव में तो ये मुख्यमंत्री अपनी सीट भी बचा नहीं पाए थे। इस स्थिति कई अलग अलग स्तर में जो चुनाव होते हैं उस आधार से वो आकलन होता है। लेकिन कुल मिला के आज ये बात रही होगी कि आज सरकार कांग्रेस की है और बहुत सारे ये तमाम बहुत जगह ये बातें भी आ रही हैं, बहुत सारे जो बैलेट पेपर के साथ साथ अन्य मतलब जो अंदरून क्षेत्र में जो बातें थी नगर पंचायत वगैरह में कहीं पर हमारा रिकाउंट भी नहीं किए, कांकेर वगैरह हम 2-4 सीट 1-2-3 मतलब वोट से हारे हैं, लेकिन उसके पुनर्मतदान तो क्या लगते हैं आपकी सरकार ने जो है कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे जो प्रशासनिक उपयोग किए, ये कहना आपका? निश्चित रूप से बहुत जगह प्रशासनिक दुरुपयोग भी हुआ है। मैं कांकेर की बात करूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को भी फोन आया था, वो 3 इसमें एक वार्ड में 1 नंबर एक वोट से हार, 1 में 2 और 1 में 3 नंबर इस टाइप का 15, तो तीनों के लिए वो उन्होंने बता रहे थे कि वहाँ पर पुनर्मतदान के लिए उन्होंने आवेदन किया था, आवेदन को स्वीकार भी नहीं किया गया। तो इस प्रकार की कुछ गड़बड़ियों की भी शिकायत आई है, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से इसकी शिकायत भी किए हैं और बड़ा आक्रोश भी है बहुत जगह। सर क्या इस जो हार हुई
कमी है उसके लिए आप लोग कोई समीक्षा करेंगे कि आने वाले दिनों पर और बेहतर कैसे किए जाए पार्टी को, क्योंकि जैसे हमें अभी जानकारी मिली है कि कवर्धा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वार्ड में भी जो है बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है, तो ऐसे में कैसे देखें कि अगर किसी बड़े नेता के वार्ड अगर हार रहे हैं तो ऐसे में क्या प्लानिंग किए जाए कि जो बीजेपी के लोग ज्यादा से ज्यादा जीते आने वाले दिनों पर? नहीं देखिए, छोटे चुनाव में बहुत सारा फैक्टर काम करे, तो प्रत्याशी के साथ साथ वहाँ की स्थिति परिस्थिति सब रहती है, उसमें बहुत सारे चुनाव में ये सब कारण रहते ही हैं। उपांकार के साथ साथ वहाँ के प्रत्याशी के साथ बहुत बड़ा ये कोई ये चुनाव छोटे इस तरह के चुनाव में कई समीकरण बनते हैं, इसके चलते ये नहीं कहना चाहिए कि बड़े नेता का चुनाव हार हो। मिलाकर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का साफ तौर पर यह कहना विक्रम उसेंडी से, जिस तरीके से हमारे सहयोगी सौरभ परिहार चर्चा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इससे बड़ी हार नहीं मानते हैं विक्रम उसेंडी, और साथ ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति रही उससे बेहतर स्थिति फिलहाल भाजपा की है, कई जगहों पर बराबर कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है।